चार दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। सुनहरी धुंध में लिपटा हिमालय की तराई का ये जंगल वन्य जीवन के तमाम रहस्य समेटे हुए है। जानवरों के लिए जन्नत। इस बार हमारा मुकाम है प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कॉबेट नेशनल पार्क। तराई के इसी इलाके से आदमखोरों का आतंक खत्म करने वाले जिम कॉबेट के नाम पर बना यह पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। 1875 में नैनीताल में जन्मे कॉबेट की जिंदगी तराई के इन्हीं जंगलों की कहानी है। जंगल और जानवरों के लिए कॉबेट का गहरा प्यार ही था जिसने उन्हें एक शिकारी से अलग प्रकृति प्रेमी की भूमिका में ला खड़ा किया। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में इस पार्क का नामकरण जिम कॉबेट को श्रद्धांजलि सरीखा है। इस बार हम निकले हैं यहीं पर गुब्बारे से उड़ान भरने के लिए। नदी नाले, खंदक पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं दलदल, विविधताओं से भरे कॉबेट नेशनल पार्क में बलूनिंग आसान नहीं है। उड़ान भरने के लिए सही जगह की तलाश हमारी सबसे पहली चिंता है। रामगंगा यहां की मुख्य नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई कालागढ़ डैम का विशाल जलाशय बनाती है। एक तरफ दूर दूर तक फैला पानी, दूसरी ओर पहाड़ और घने जंगल हमारी बलूनिंग के लिए बड़ी चुनौती हैं। हमें एक ऐसी जगह की तलाश है जहां से हवा हमें कॉबेट पार्क के ऊपर उड़ाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए। इसके लिए हमने दो दिन लगातार रामनगर, गार्जिया, मार्चुला और कांडा का सारा इलाका छान मारा। My suggestion is that we do take off here. एक आध जगह ठीक थी पर वहां हवा का रुख उल्टा, यानी हमारे बलून को हिमालय की चोटियों की ओर धकेलने वाला। नहीं, मौसम तो ठीक लग रहा है कुछ। हमारी एक बड़ी कठिनाई ये है कि मौसम विभाग से इस इलाके की ठीक ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन इस अभियान में
उत्तराखंड वन विभाग का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, हम यहाँ पर हैं, रेस्टा हाउस है ना, कहाँ पर रेस्टा हाउस है, ये हम इस पर हैं, इस मोड पर। सर्पदूली के करीब रामगंगा का किनारा उड़ान भरने के लिए सुझाया गया। 20 मीटर लंबे बलून को फैलाने के लिए ये खुला मैदान ठीक रहेगा। पहाड़ों में मौसम कब कैसा रुख कर ले कहना मुश्किल है, और इंतजार करने के बजाय हम कल यहीं से उड़ान भरेंगे। उम्मीद है चिड़ियों के इस झुंड की तरह कल हम भी रामगंगा के दोनों ओर फैले नायाब जंगल का नजारा देख सकेंगे। आज चौथा दिन है। पॉप हटते ही हम निकल पड़े रामनगर से। हमें सर्पदूली पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। तीन गाड़ियों का हमारा काफिला जगह पर वक्त से पहुंच गया है। सबसे पहले जरूरी है हवा का रुख भांपना। सब भी तैयारी शुरू। बेंत और विलो से बनी इस मजबूत बास्केट में बिल ने 3 सिलेंडर रख लिए हैं ताकि हम कम से कम 2 घंटे उड़ान भर सकें। बेहद मजबूत हल्के नायलॉन से बने इस आकार के बलून को फुलाने में इस हाई स्पीड फैन को भी 10-15 मिनट लगेंगे। बर्नर खुला, हवा गर्म होने के साथ साथ बलून सीधा होने लगा। उड़ान के दौरान सपोर्ट टीम और वन विभाग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकी जरूरी है, क्योंकि यहां के जंगलों में मोबाइल के सिग्नलों का कोई भरोसा नहीं। हवा हमें नदी के साथ साथ ढिकाला की तरफ ले जा रही है। दूर दूर तक फैले गोल चिकने गंगा के पत्थर, जहां तहां भाभर घास के झुरमुट, नदी किनारे खैर और शीशम का जंगल, ये विविधता ही कॉर्बेट नेशनल पार्क की खूबसूरती है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तराई और भाभर का यही इलाका शेर के शिकार के लिए मशहूर था। बदलते हालात को देखते हुए कुछ शिकारियों और लगनशील प्रकृति प्रेमियों के प्रयासों से 1936 में यहां के 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हैली नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जो आज का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। मगर बलूनिंग का रोमांच ये है कि इसमें सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। बदली हुई हवा हमें जंगल के दक्षिणी हिस्से की तरफ ले जा रही है। जाने क्या दिखाना चाहती है। अरे वाह, जंगल के राजा के साक्षात दर्शन। शायद ये भी शिकार की टोह में बैठा है। शहरी कोलाहल और प्रदूषण से अछूती रामगंगा कॉर्बेट पार्क की जीवन रेखा है। अरे
वो देखो घड़ियाल। इस दुर्लभ जीव के लिए दुनिया में ऐसी गिनी चुनी जगह ही बची हैं। ताजे पानी की मछलियां, मगर, ऊदबिलाव, कई किस्म के कछुए और मछलीखोर पक्षियों के लिए ये स्वर्ग सरीखी है। कॉबेट के विभिन्न ऊंचाइयों वाले पहाड़ों पर पेड़ पौधों की करीब 200 प्रजातियां मिलती हैं। 35 मीटर ऊंचे साल के चमकदार वृक्षों से बना घना जंगल कॉर्बेट की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। पार्क का ये इलाका एक विशाल घाटी जैसा है जिसमें पूरब से पश्चिम दिशा में जाती घने जंगलों से ढकी तीन पर्वतमालाएं हैं जो लगभग एक दूसरे के समांतर हैं। हवा हमें लगातार दक्षिण की तरफ धकेल रही है। यहां उतरने की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती। हमने और ऊंचे जाने का फैसला किया। वाह, क्या नजारा है। बहुत ही गजब का व्यू है। पता लगता है कि जंगल क्या है। 3,500 feet ऊंचाई पर उड़ रहे हैं इस समय। थोड़ा सा हेजी हो गया। अभी बिल्कुल हमारी दिशा ठीक है। ढिकाला की तरफ जा रहे हैं। इस ऊंचाई पर हवा का रुख उत्तर की ओर है जो हमारे गुब्बारे को वापस रामगंगा की ओर खींच लाई है। ढिकाला परिसर सामने है। हम यहीं उतरना चाहते हैं। ऊपर और नीचे दो विपरीत धाराओं में बहती हवा से जूझते हुए हमारे कैप्टन ढिकाला के खुले चौड़ में उतरने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। लेकिन हवा को शायद ये मंजूर नहीं। हम लाचार हैं। रामगंगा के तट पर ही उतरने का फैसला किया गया। उड़ना एक बात है, इससे भी अहम है पहाड़ जैसे बलून को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उतार लेना। आज हम यहां इस मामले में तो खुशकिस्मत रहे। बलून को जमीन पर लाने के लिए बिल ने उसका वेंट यानी ढक्कन खोल दिया। गर्म हवा बाहर और बलून नीचे। पर असल समस्या तो अब है, भारी साजो सामान को ऊपर गेस्ट हाउस तक पहुंचाना। नदी का 500 मीटर चौड़ा पार्ट, फिर 100 मीटर की खड़ी चढ़ाई, सपोर्ट टीम की ताकत का इम्तिहान। एक 104 किलो वजनी बलून 6 आदमियों के लिए भी भारी। This is the camp elephant. On top of that, you have tiger following. And it's a male tiger. बाघ के निशान कॉर्बेट पार्क के चप्पे चप्पे पर हैं। अब बारी है 105 किलो वजनी बास्केट की। 100 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई दम निकालने वाली है। चलो,
आ गया चलो वाह हो गया और अब देखिए हम तो बचपन से आ रहे हैं तो मुझे जो ऊपर का नजारा है वो जन्नत के अलावा कुछ नहीं बस और इतना खूबसूरत जंगल है जंगल कि जमीन नहीं दिखती हां ऊपर पेड़ जिधर तक कैमरा देख रहा पेड़ ही पेड़ चिड़िया कह रही मेरे लिए चमन यही है पेड़ और जब चिड़िया वो बहेलिया फंसाने के लिए चिड़िया के लिए तब उसने लगाया था तब वो चिड़िया कह रही है जब हवा चला हिला तब वो चिड़िया दिखी तब वो बहेलिया उसको फंसाने फंसाया चिड़िया को तब वो चिड़िया कह रही कि हवा के झोंकों में नहीं हवा चला जैसे आपका हवा से चला वो बाड़ा इसी तरीके से चिड़िया कह रही तब उसका दिखाई पड़ी नहीं तो छिपी थी वो पत्ते में छुपा हुआ पत्तियों में आसियाना था यानी पत्तों में छिपी हुई थी वो फूल था ना फल था पत्ता ना आसियाना था चमन में रह लिया जब तक क्या बजाना आप चाहे सोने के पिंजरे में अपने घर पे रखें वो मजा नहीं जितना उसको पेड़ अच्छा है चिड़िया तो हमने तो आज बिल्कुल आज चिड़िया बन गया मजा ले लिया आज क्या कहने माशाल्लाह आप तो बहुत मजा लेते रहते हैं लेकिन हम लोगों ने देखा हमें बड़ी खुशी हुई ऐसी चीज इधर वाला दिक्कत था तो दोपहर ढलते ही हम निकल पड़े फोटोग्राफी के लिए ये समय बेहतरीन है क्योंकि वन्य जीवों की चहलकदमी इस समय बढ़ जाती है हमें देखकर ये सांभर जरा चौंके हुए हैं पास ही बाघ के पंजे के निशान ये तो एकदम ताजे हैं शायद आसपास ही कहीं छिपा हो संकेत अच्छे हैं यहीं इंतजार किया जाए चारों ओर जानवरों की आवाजाही लगी है जब जंगल इतना जीवंत हो तो आप उसे नहीं बल्कि वो आपको देख रहा होता है छिपने के लिए घना जंगल भरपूर शिकार और पानी के सदाबहार सोते कॉबेट में ये सब है बाघ को भला और क्या चाहिए इस चौकन्ने सांभर को शायद कुछ दिखा ये तो बड़ी बाघिन है दूध से भरे थन बता रहे हैं कि इसके बच्चे काफी छोटे हैं भूख ही लगती है शिकार की तलाश में है इसकी एक झलक ने हमें बेचैन कर दिया बच्चे कितने बड़े हैं इस वक्त कहां हैं क्या उन्हें देख पाएंगे हमने सुबह फिर इसी बाघिन की तलाश में निकलने का फैसला किया दिन की शुरुआत अच्छी हुई मां के साथ बच्चों के भी पगमाक मिल गए ये जो बच्चे मुझे लगते सर ये 20-25 दिन के लगते है वही फीमेल हाँ ये 20-25 दिन पहले देखी थी तो तब लग रही थी कि ये डिलीवर करने वाली है तो लग अभी तो दूध ही पीते होंगे अभी कहाँ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करेंगे माँ के साथ मूवमेंट नहीं करेंगे ज़्यादातर इनको छुपा के रखेगी मेल से बचाने के लिए ऐसा करते हैं आगे चल के देखते हैं कहीं हाँ। कुछ मालूम पड़े कोई कॉल वॉल सुनाई पड़े तो फिर अंदाजा लगाया जाए जो हमें नहीं दिख रहा वो ये देख रहे हैं वाह क्या अद्भुत दृश्य है कॉबेट पार्क के लिए एक और अच्छी खबर मां ने गुस्सा जताया कोई खतरा नहीं
तसल्ली हुई और आगे बढ़ गई। शायद इन शावकों ने इंसान पहली बार देखा है। ये नर बच्चा तो कुछ डरा हुआ है। बेफिक्री से उछलते इन मासूम शावकों को देखना एक बेमिसाल अनुभव है। हम बेहद भाग्यशाली हैं। कॉर्बेट के इतिहास में इतने छोटे बच्चे पहली बार फिल्माए गए हैं। तकरीबन 18 माह तक ये बच्चे मां की देखरेख में जंगल के तौर तरीके सीखेंगे। हाल ही में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट की टीम ने यहां अलग अलग हिस्सों में कैमरा ट्रैप लगाकर बाघों की गणना की। इस पद्धति से हर शेर का फोटो लिया गया और मिलान के बाद नतीजा उत्साहवर्धक रहा। यहां करीब 165 बाघ होने के सबूत मिले हैं। ये शुभ संकेत है, पर इतने बड़े पार्क में इनके संरक्षण की एक बड़ी चुनौती भी। कुछ आगे चलकर हमारा सामना हुआ मदमस्त गजराज से। ये तो सीधा हमारी ओर ही बढ़ता चला आ रहा है। मस्ती में चूर ऐसे विशाल काय ताकतवर नर के सामने हमारी बिसात ही क्या है। मन में खौफ है कि न जाने क्या हो जाए। जोड़ा बनाने के लिए बौराया हुआ ऐसा नर अपने आपे में नहीं रहता। ऐसे में इसके आसपास होना खतरनाक साबित हो सकता है। गनीमत है, सिर हिलाकर नाराजगी दिखाई और रास्ता बदल लिया। हमारे परिवार का कॉबेट से 50 साल पुराना रिश्ता है। यहां के हाथियों को हम बचपन से ही देखते रहे हैं, लेकिन ऐसे मदमस्त हाथी के साथ ये नजदीकी मुलाकात अविस्मरणीय रहेगी। इसकी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। दोनों दांतों के बीच पेड़ के तने को रख शायद ये कनपटियों पर दबाव बना रहा है। इससे मद तेजी से रिसने लगेगा। हो सकता है इससे इसे सुकून मिले। महाकवि कालिदास ने मस्त गजराज के मद से महकती घाटियों का बखूबी उल्लेख किया है। रुक रुक कर पेशाब करना भी मद के ही लक्षण हैं। ये सूंड उठाकर किसी हथिनी की गंध ले रहा है ताकि जोड़ा बना सके। यहां तकरीबन 400 जंगली हाथी छोटे बड़े झुंडों में रहते हैं। इसके लिए मौके अच्छे हैं। क्या नदी और क्या पहाड़, सारा जंगल मानो इन्हीं का है। हमारा ये अभियान जिंदगी में एक याद बनकर रह जाएगा। हमारी यही दुआ है कि इस खूबसूरत अभयारण्य की गरिमा बनी रहे।
पिछले चार दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। वन्य प्राणियों की विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये है बार नवापारा का अभयारण्य। इस बार हमारा अभियान है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित इसी बार नवापारा के लिए। ये रायपुर से 125 किलोमीटर दूर है। 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में छोटी छोटी पहाड़ियां और घने जंगल हैं। इस इलाके को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहां हॉट एयर बलून में उड़ना चाहते हैं। तो ये जो एरिया है जो हम कवर कर पाएंगे, ये आइडियल है या टिपिकल है? ये बिल्कुल टिपिकल है। ये कोर जोन है, जैसा आप मैप पे देख रहे हैं, ये हमारी सेंचुरी कोर जोन है। हमारी मदद के लिए साथ हैं अनुभवी पार्क सुपरिंटेंडेंट अरुण तिवारी। इफ लकी वी कैन गेट द हर्ड्स ऑफ बायसन एंड दैट टू। हम हवा के रुख, उड़ने का स्थान और उतरने की संभावित सुरक्षित जगह के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। कैप्टन बिल हीलियम से भरा गुब्बारा छोड़कर हवा की दिशा और गति का जायजा ले रहे हैं। बलून सीधा ऊपर चला गया और करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर जाकर ओझल हो गया। ये अच्छा संकेत नहीं है। हवा थमी हुई है और बादल छाए हुए हैं। Get this show on the road, I'm afraid. I don't think we're going to be able to today. ऐसी अनिश्चितताओं के बीच बिल ने उड़ान न भरने का फैसला किया। हम कल दोबारा कोशिश करेंगे। अभयारण्य में आमतौर पर पर्यटक को रात में घूमने की इजाजत नहीं होती, पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इन जंगलों में रात को कितनी चहलकदमी रहती है। हमें खुशी है कि हमारा विशेष अनुरोध उच्च अधिकारियों ने मान लिया। जानवरों का अंधेरे में फिल्मांकन करने के लिए हम नाइट विजन कैमरा और इंफ्रारेड लाइट से लैस हैं। हमारी शुरुआत हुई एक पाम सिविट से। आमतौर पर शाकाहारी ये जीव रात में ही सक्रिय होते हैं और दिन भर पेड़ों की खोखल में पड़े सोते रहते हैं। आगे चीतलों का एक झुंड दिखा जो कि पानी पीकर लौट रहा था। इन हृष्टपुष्ट सुअरों के लिए यहां खाने की कोई कमी नहीं। अरे वाह, एक नहीं दो दो भालू, शायद मां और बच्चा है। दिन भर गुफाओं में सोने के बाद ये खाने की तलाश में निकले हैं। कंदमूल, फल, कीड़े मकौड़े सब खा लेते हैं। शहद और दीमक इन्हें बहुत प्रिय है। भालुओं की शारीरिक रचना उनकी जीवन शैली के अनुरूप है।
बामियों की दीमक को खोदने के लिए इनके पास हैं बड़े बड़े नाखूनों वाले मजबूत पैर। आजकल तेंदू पक रहे हैं। इसके खुशबूदार मीठे फल दूर दूर से जानवरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये भालुओं का एक मुख्य आहार है। हम जंगल के एक दूसरे हिस्से की ओर बढ़े। यहां मिला हमें गाय गौर का एक झुंड। ये बार नवापारा की शान है। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ये जीव खाने की तलाश में मैदानी जंगलों में आ जाते हैं। घास, पेड़ों झाड़ियों के पत्ते, गिरे फल और बांस इनका मुख्य भोजन है। शायद ये तेंदुआ किसी छोटे बच्चे की फिराक में है। लगता है कि तेज नाक वाले कुछ सदस्यों को इसकी भनक पड़ गई। ये भाग खड़े हुए। अगले दिन हम लोग बहुत सवेरे ही कोठारी गांव के पास खुले मैदान में पहुंचे और जुट गए तैयारियों में। बिल ने बास्केट के ऊपर बर्नर लगाकर तैयारी शुरू की। अब 70 फुट लंबे जमीन पर बिछाए गुब्बारे में पंखे की मदद से हवा भरनी है। 10-15 मिनट में इसमें 1.5 लाख घन फुट हवा भर जाएगी। बिल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बलून के वेंट यानी ढक्कन को कंट्रोल करने वाली रस्सियां ठीक से काम कर रही हों। बलून में भरी हवा को गर्म करना शुरू करते हैं। हल्की गर्म हवा बलून को ऊपर उठाने लगी है, जिससे ये सीधा होने लगता है। बलून के नीचे लगी विलो और बैंत से बनी एक बड़ी टोकरी है, जिसमें हम 4 लोग उड़ान भरेंगे। साथ में ईंधन के लिए रखे हैं 3 सिलेंडर। शुरू हुआ हमारा बार नवापारा का हवाई सफर। उड़ते ही नजर आए जंगल के बीच वन ग्रामों के खेत। हवा की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमें पश्चिम की ओर ले जा रही है। देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा हरा राज्य है जहां 44% जंगल हैं। अनेक प्रकार के हरे पीले मटमैले लाल रंगों वाले पेड़ों का ये जंगल बार नवापारा की शोभा में 4 चांद लगा रहा है। हम जमीन से केवल 100 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जिससे जंगल का पूरा लुत्फ उठा सकें। तभी हमारी नजर पड़ी एक खूबसूरत नर गौर पर, जो हमारे गुब्बारे को देखकर स्तब्ध खड़ा था।
वर्नर की आवाज से शायद ये चौंक गया। हरे पेड़ों से घिरा कौंजी का ये गंजा वृक्ष मानो किसी मूर्तिकार की कला का प्रदर्शन कर रहा हो। बार नवापारा के जंगल का 28% बांसों से ढका है। यहां महुआ, तेंदू, शाल और सागवान जैसे पेड़ों के मिश्रित वन हैं। कभी इस इलाके में गोंड और भील जाति के लोग जगह बदल बदल कर खेती किया करते थे। मनमाने ढंग से जंगलों को जलाना और काटना आम बात थी। 1976 में अभयारण्य बनने के बाद भी यहां जंगलों का दोहन होता रहा। 15 साल के बाद ही इस पर पूरी रोक लगाई गई। आज की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। इन बचे जंगलों पर चारों ओर से भारी दबाव है। इसमें छोटे बड़े कई नदी नाले हैं जो गर्मी आते आते सूख जाते हैं। इसलिए वन विभाग ने अभयारण्य के कई हिस्सों में जलाशय बनाए हैं। ये सारा सिस्टम जो है आप ये सिर्फ बारनवापारा में आपको ये देखने को मिलेगा, पूरे इंडिया में और कहीं सोलर पंप सोलर एनर्जी का यूज इस तरह पानी के लिए। और एक बार इसको लगा के 20 साल तक के आप इसको कोई आदमी की जरूरत नहीं, कोई आदमी ने स्टार्ट करे बंद करे नहीं, कोई कुछ की जरूरत नहीं है। जैसे धूप आती है ये अपने आप शुरू हो जाता है और सनसेट होने के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा बार नवापारा के 5 जलाशयों में पानी भरने का कार्य वन विभाग के लिए बहुत सराहनीय है। ये जलाशय जीवों के लिए वरदान है और भूमिगत जल स्तर को भी सुधार रहे हैं। इस इलाके में काले बोल्डरों और चट्टानों वाली कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं। ये जंगली भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा जैसे जानवरों के पसंदीदा ठिकाने हैं। हमें उड़ते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तभी हमारी नजर पड़ी चमगादड़ों से लदे डूमर के एक विशाल पेड़ पर। शाम होते ही ये मौसमी फल फूलों की तलाश में दूर दूर निकल जाते हैं। दिन निकलते ही अपने बसेरे पर लौट आते हैं। चमगादड़ विश्व में अकेला उड़ने वाला स्तनपाई है। उल्टे लटके ये चमगादड़ पंख फड़फड़ाकर अपने तापमान को बनाए रखते हैं। बार और नवापारा 2 गांव हैं जिनके नाम पर ही इस अभयारण्य का नाम पड़ा। हमारी किस्मत अच्छी है कि हवा हमें इन्हीं गांवों के खेतों की ओर ले आई है। कभी यहां भी घने जंगल हुआ करते थे और जिनमें बेफिक्र वन्य प्राणी विचरते थे। आज इंसान ने अपने स्वार्थ के चलते उन्हें खदेड़कर अपना कब्जा जमा रखा है। हमारे बलून को नीचे उड़ता देख बच्चे पीछे हो लिए। Thank you.
आज की लैंडिंग तो कमाल की रही, सड़क के ठीक ऊपर। और क्या था, कैप्टन बिल ने गुब्बारे को सीधे पिकअप पर ही रख दिया। सपोर्ट टीम का काम कुछ हल्का हुआ। गांवों का हुजूम उमड़ पड़ा, जंगल में उत्सव का सा माहौल बन गया। क्या बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हमारे पहाड़ जैसे अजूबे को पास से देखना चाहते हैं? हमारे सहायकों ने गुब्बारे को संभालना शुरू किया। हम वन विश्राम गृह में लौट आए। यहां का सारा परिसर, वन कर्मियों के आवास, सब कुछ सौर ऊर्जा से चलता है। छत्तीसगढ़ राज्य की ये अनूठी पहल है, देश के अन्य इलाकों में भी अपनाया जाए तो अच्छा है। कुछ आराम करने के बाद हम फिर निकल पड़े जंगल के लिए। लंगूरों की अलार्म कॉल से जंगल गूंज रहा है। क्या हो सकता है, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, अजगर? पर हम तो कुछ भी नहीं देख पा रहे, लेकिन पेड़ पर बैठे लंगूर उस खतरे को भली भांति देख रहे हैं। आवाजें कुछ कम हुई, लगता है खतरा टल गया। जो कुछ भी रहा हो जंगल में दूर निकल गया। हम भी आगे बढ़ गए। सड़क के बीचों बीच जंगली कुत्तों का ताजा मल, पेशाब के निशान इस टोली में कई लगते हैं। कुछ ही पहले यहां से गुजरे होंगे। सड़क पर इस तरह इकट्ठा मल करके ये दूसरी टोली को जताना चाहते हैं कि ये इलाका उनका है। हमारे साथ फॉरेस्ट गार्ड येदू का अनुमान है कि ये झुंड आसपास ही किसी जलाशय पर होगा। हम इनकी खोज में निकल पड़े। पास के नाले को देखा पर यहाँ इनके आने जाने के कोई चिन्ह नहीं। ये भालू का हो सकता है क्या? जी, तेंदुए का? जी, तेंदुए का। तो फिंगर वगैरह दिखता। येदू पास के एक और जलकुंड पर ले गया। पहली नजर में तो यहाँ भी सन्नाटा दिखा, पर चट्टानों को ध्यान से देखने पर नजर आए सोन याने जंगली कुत्ते। कुछ सो रहे हैं, कुछ चौकन्ने हैं। लगता है पूरी टोली छिपकर शिकार की टोह में है। किसी जानवर के पानी पर आते ही ये उसे धर दबोचेंगे। फिलहाल पानी पर भुजंगा, बड़ा बारबेट, भृंगराज और गटारें ही अपनी प्यास बुझाने आई हैं। दोपहर ढलते ही एक एक करके गिरोह के 8-10 सदस्य पानी की तरफ बढ़ने लगे। इन महाशय को देखिए, कहने को गिरोह का मुखिया नर, पर खा रहे हैं एक नन्हे से मेंढक को। इसके इशारे पर सारा झुंड शिकार के लिए निकल पड़ा। ये नाले ही नाले आगे बढ़ रहे हैं।
शिकार मारने में गजब का तालमेल और फुर्ती के कारण शेर तेंदुआ भी इनसे कतराते हैं। जंगल में जिस ओर निकल जाएं, हाहाकार मच जाता है। आखिर इन्होंने एक छोटे चीतल को मार ही गिराया। जंगल में तृणभोजियों की संख्या को संतुलित बनाए रखने में सोन कुत्तों की अहम भूमिका है। बारनोपारा का जो एरिया है उसमें वाइल्ड लाइफ की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी वैरायटी है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की। तो यदि इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है तो इसको केवल एक अच्छा नेशनल पार्क नहीं बल्कि इसमें पूरी क्षमता है कि इसको एक अच्छा टाइगर रिजर्व बनाया जा सके। बारनवापारा अभयारण्य के सामने कई चुनौतियां हैं। इसके अंदर 22 वन ग्राम हैं, जो अपनी जरूरतों के लिए इन जंगलों पर निर्भर रहते आए हैं। जंगलों के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने के लिए इन वन ग्रामों का जंगल के बाहर पुनर्वास बहुत जरूरी है। इससे ग्रामीणों को नई जिंदगी मिलेगी और अभयारण्य को अपना खोया हुआ जंगल। इसके लिए वन विभाग की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं। हर किसान को 18 वर्ष को दे रहे उसको हर 18 वर्ष को जमीन दीजिए, हम तुरंत तत्काल छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। यदि कोई गांव के लोग यहाँ से विस्थापित होने को तैयार हों तो उनकी सहमति मिलते ही 4-6 महीने में उसको कार्य रूप में परिणित किया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे पूरे गांव 1-2 साल में ही बाहर विस्थापित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। ये लोग सदियों से यहाँ के जंगलों में रहते आए हैं और उसके महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। हरे कपड़े पहने ये युवतियां तोते के रूप में एक पौराणिक कहानी को प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें जंगली जानवरों का भी अनोखा समन्वय है। आशा करते हैं कि भविष्य में जंगल और वन्य जीव भी बचे रहेंगे और ये लोग और इनकी संस्कृति भी।